गुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा। तुद त्याई कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, 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 जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 तेरे गुण गावा जी, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा जी, तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, करो कृपा जी, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे दाता अंतर जामी, तू वड दाता अंतर जामी, तू वड दाता अंतर जामी, तू वड दाता अंतर जामी, सब में रवैया पूरन प्रभ स्वामी, 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 सब में रवैया पूरन
प्रभु स्वामी सब में रवैया पूरन प्रभु स्वामी कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा 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 हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा कर कृपा तेरे गुण का जप लो जी कर कृपा तेरे गुण का कर कृपा तेरे गुण का कर कृपा तेरे गुण नानक नाम जपत सुख पावा 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 जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे 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 चरण कमल हृदय उर तारे चरण कमल चरण कमल हृदय उर तारे चरण कमल हृदय उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेर
मेरे दर्शन को जाई बलहारे, मेरे दर्शन को जाई बलहारे, तेरे दर्शन को जाई बलहारे, तेरे दर्शन को जाई बलहारे, कर कृपा तेरे गुण गावा कब, कर कृपा तेरे गुणगान जप लो जी, कर कृपा तेरे गुणगावा, कर कृपा तेरे गुणगावा, कर कृपा तेरे गुणगावा, कर कृपा तेरे गुणगावा, कर कृपा तेरे गुण गावा जी, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा जी, तेरे गुण गावा जी, तेरे गुण गावा, धन धन श्री गुरु नानक देव जी, तेरे गुण गावा, धन धन श्री गुरु नानक देव जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु बालक सिंह जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु बालक सिंह जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु संगता साहेब जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु संगता साहेब जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु नारायण दास जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु नारायण दास जी, तेरे गुण, धन धन सतगुरु साधु राम जी, तेरे गुण गावा, धन धन सतगुरु साधु राम जी, तेरे गुण गावा, धन सतगुरु भगवान दास जी, तेरे गुण गावा, धन सतगुरु भगवान दास जी, तेरे गुण गावा, धन सतगुरु सेवा राम साहेब जी, तेरे गुण गावा, धन सतगुरु सेवा राम साहेब जी, धन धन साहिब संत माता जी, तेरे गुण गावा, धन धन साहिब संत माता जी, तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, गावा कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 गुण गावस उतरे मैल ता गुण गाइए,
कोटान कोटान शुकराना साडे गुरुआं दा जिन्होंने सानू इस स्थान बख्शिया। अज विचार करिए, इतना रस पीना कीर्तन चल रहा सी, साखियां चल रही सन, मैं तो दास कुछ तैयारी करके नहीं आया, पर फिर भी थोड़ा विचार करने है कि यह गुरुद्वारे की जरूरत ही क्यों पई। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर जग काजल की कोठड़ी अंध परे तिस माहे। ये पूरा संसार काजल की कोठड़ी है। इस संसार से असी जन्म लिया है तो असी पाक साफ बिना दाग तो निकल जाइए, ये बहुत बड़ी गल, बहुत बड़ी गल, छोटी ना समझना। धरती भी काजल दी काली, दीवारा भी कालियाँ, छत भी काली, तो माफ करना बाणी फरमाती है किसी है भी अन्ने, दुनियावी अख नहीं, जिहड़ी परमात्मा की जिहड़ी अख है वह साढ़े कोल है ही नहीं, सानू अपने पाप नज़र ही नहीं आते। तो अखा बंद करके जदों असी तुरांगे तो साढ़े पैर काले होणगे, साडा शरीर काला होएगा, साडा मन भी काला है, साडी मत भी काली है, वो फुरने साढ़े मत भी चलते हैं। अगे फरमाते हैं, हो बलिहारी तिन को पैस जू निकस जाए। जिहड़े इस कलक वाली संसार तो बेदाग होकर निकल जाए, मैं उन्होंने तो बलिहार बलिहार जा। आदकाल तो ही मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद की लोड़ पई, साढ़े गुरुआ ने ता सानू ये स्थान बख्शा कि कोई ऐसी जगह तो होए जिथे आ के असी मैल नू बाहर सुट के आईए। जुतियां बाहर ला के आंदे ना असी, क्योंकि जुतियां थां थां ते जांदियां मैलियां होईयां। होर थोड़ा जिहा विचार करिए, असी सारे व्यापारी हाँ, सवेरे ना तो के दुकानां ते जांदे आ, जदों शाम नू वापस आने आ, क्या साढ़े कपड़े उन्ने चिट्टे रहिंदे ने? साढ़े ना चाहुंदे होई कोई मैल उस ते लग जांदी, साढ़े ना चाहुंदे होई साढ़े मत ते भी मैल चढ़ जांदी, साढ़े मन ते भी मैल चढ़ जांदी, क्योंकि यह कलयुग का पैरा है, इस ते बचना बहुत मुश्किल है। पर साढ़े गुरुआ ने, संत माता जी ने यह नाम का जड़ा व्यापार किया ना, ये स्थान सानू बख्शे, इस स्थान ते बैठ के साध संगत आप प्रवसे जियो। आप सारे मेरे तो ज़्यादा जाणू हो, मैं तो सिर्फ विचार, क्योंकि मैनू लगता है कि गुरबाणी सारी विचार ही है। जब तक असी विचारेंगे नहीं, जब तक असी इस ते अमल नहीं करांगे, क्योंकि पहले समझना जरूरी है फिर अमल करना जरूरी है, ता ही साढ़े जीवन च बदलाव आएगा। जुतियां असी बाहर ला के आने हाँ, पर माफ करना जेडे मन के विकार ने ना, जेडी वासनावां ने, वो सारी अंदर लैके आ जाना। तेरे गुण गावां तां तेरे गुण गावां ताकि साढ़े मन की मैल उतर जाए। घट्टो घट एक जगह तो ऐसी होए जिथे असी विकार रहित हो सकी। व्यापार करने हाँ, दुकाना ते रहने, कारोबार भी करने, कोई ऐसा बंदा लभना बहुत मुश्किल है जिदी जबान ने कभी कूड़ा ना बोलिया हो, जिदे कदम किसी गलत थां ते ना गए हों, जिदी अखा ने कभी गलत ना देखा हो। पर एक थां ऐसी है, ये थां सानू ऐसी बनानी भी पेगी, इस मर्यादा सानू रखनी पेगी, इसनू सानू पवित्र भी रखना पेगा। अपने गुरुआं ने जिहड़ा सानू दिता है स्थान, कोशिश करिए कि वो सारे विकार असी बाहर ही छट के आईए। बहुत मुश्किल गल है, पर बड़ा आसान भी है, क्योंकि आसान ता हो जाएगा जो इस असी नाम जो साढ़े कन्न चुके वह सहारा असी लवेंगे। कलयुग नाम आधार, जो नाम असी लवेंगे, नाम साढ़े हिरदे च रहेगा। कबीर दास जी अगे भी कहते हैं, साधु को मिलने जाइए तो साथ ना लीजिए कोई, कि मतलब पत्नी नू ना लईए, बच्चे नू ना लईए, परिवार नू ना लईए, की कहना चाहते सन?
नहीं, वो ये नहीं कहना चाहते थे। ये तो बल्कि सौभाग्यपूर्वक काम होएगा जो किसी असी किसी को नाल लेके आवेंगे गुरुद्वारे सिक्के लेकर आइए, किसी को अपने मित्र को भी नाल लेके आइए, बेटे को भी नाल लेके आइए, वो तो बड़ा मुबारक वाला काम है। पर नाल की लेके नहीं जाना वही साढ़े विकार। साढ़े विकार जो साढ़े नाल होंगे ना तो खेड़ नहीं बनती। माफ करना छोटा मूँह वड्डी गल, जब तक असी अपने विकारा नू नाल लेके आवांगे तां तक खेड़ नहीं बनेगी। खेड़ ताई पड़ेगी जब असी बाणी नू पढ़ांगे, बाणी नू विचारांगे, फिर होएगा कि फिर गुरु प्रसाद वरतेगा तां साडे हिरदे शुद्ध होणगे, तां साडी खेल बनेगी। एक कज्जल दी कोठड़ी इत्थे बड़ा मुश्किल है। तो कबीर दास जी कहते मैं बलिहार बलिहार जाना जेड़े इत्थे बिना निशान तो निकल गए। गल कपड़िया दी नहीं है, गल अंदर दी है। जितने पापी लोग ने ना साढ़े वर्गे, वो अपने पाप देखते ही नहीं, क्योंकि जो असी अपने मन नू देखांगे, अपने पाप नू देखांगे, तो सानू लगेगा निरंकार सानू देख रहा है। थोड़ी गहरी गल है, उम्मीद है पकड़ी जाएगी। जब तक असी अपने मन नू नहीं देखांगे, जब तक असी अपने पाप नू नहीं देखांगे, तां तक सानू ये नहीं लगेगा कि निरंकार सानू देख रहा है। किसी पापी नू मिलो, किसी शराबी नू मिलो, उन्हें शराब पीना कोई पाप लगता ही नहीं। कड़ा पाप जिहड़ा मार मार के खा रहा है, वो रोज़ खा रहा है, उन्हें लगता ही नहीं, उन्होंने कह एक मित हो गया। तो जोड़ा दूजा भी पापी होएगा वो नाल बैठा होएगा, वो लगता है वो भी कहता कहता ठीक तो कर रहा है, ये की गलत है? कोई गलत नहीं, सानू अपने पाप नज़र ही नहीं आते। ये तो शुकराना साडा कि असी बैठे आए थे, सानू हर चीज़ की सोझी पै गई है। पर संसार झाती मार के देखो हले बहुत दूर, कहते करोड़ा अरबा विचों भी कोई दो चार ही होणगे जिन्हां दी लिप जुड़दी है। ये स्थान सानू बख्शे ता करके असी नाम जपिए, असी इत्थे आईए। इस संत सभा जिथे संत होणगे, मैं पहला भी कहिंदा सी जिहड़ा कोई चार डाकू बैठे होण असी कोलों दी लंघ जाइए, साडा बुरा वाला तल जिहड़ा उपर आ जांदा। ते जिथे चार संत बैठे होण, उह चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, तुसीं भी कुछ ना कर रहे हो, जे कोलों दी लंघोगे ते उह साडा अच्छा वाला तल, क्योंकि हर इंसान विच इक बुरा भी होंदा इक अच्छा भी होंदा। दीदी जी कह रहे थे ना कि साढ़े साढ़ा नहीं तनेम नहीं साढ़े असी पापी हाँ, पहले मनना बहुत जरूरी है कि असी पापी हाँ। जो मन लवेंगे ताई टवेंगे, जो टवेंगे तो ताई गुरप्रसाद बरतेगा, नहीं तो रब कहता है तू अपनी मर्जी करी जा रहा है मैं की करा। जो असी निमाणे हो के टवेंगे ताई तो खेड़ बनेगी। आओ शुकराना करिए अपने गुरुआ का कि उन्होंने स्थान बख्शा। अज 32वां साल असी मना रहे हाँ, बहुत ही मुबारक दिन सारे नूं, लख लख वधाइयां खुरजा दी संगत नूं, राजू वीर जी नूं सारे नूं लख लख वधाइयां। कुछ पुरातन सिखा ने बड़ी मेहनत की है जिन्हों का अस अज असी खा रहे हैं समझ दी, क्योंकि उन्हों की मेहनत उन्हों की मशक्कत उन्हों का अज इन्ना बरसाया, अज असी मौजा माण रहे हैं। आओ शब्द की आखिरी पक्का कर कविता पिता मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरी फक्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदगार है।
तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। सतगुरु करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। अभिमान ना आवे तेरे बच्चियां भूल के भी, कदे अभिमान ना आवे तेरे बच्चियां भूल के भी, कदे अभिमान ना आवे तेरे बच्चियां भूल के भी, कदे अभिमान ना आवे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। तेरे रंग विच मैं रंगया रहा, रंग कोई होर न चढ़ जावे। तेरे रंग विच मैं रंगया रहा, रंग कोई हो न चढ़ जाए। तेरे रंग विच मैं रंगया रहा, रंग कोई होर न चढ़ जावे। तेरे रंग विच मैं रंगया रहा, रंग कोई हो न चढ़ जाए। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जावे। सतगुरु जी दया करो, तेरी मेरी तोड़ निब जाए। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, मैं उच्चे आदे नल लाई जी। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, दे नल लाई जी। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, मैं उच्चे आदे नल लाई जी। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, मैं उच्चे आदे नल लाई जी। सदके जावा उन्ह उच्चे तो, जिन्ना नीवे आना
ਮਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੋਲ ਨਿਭ ਜਾਏ
तोल ताई निभदी है जे ताली दोवे हाथ नाल वजे। तुहाडा किन्ना भी पक्का रिश्तेदार होवे, मासीए मामे हन चाचे हन, तुसी आना जाना बंद कर दो, दुख सुख वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सांझ ताई बनती है जो साहिब महाराज जी अमरीका गए सन, तो वापस आए तो सारिया संत रात के 2:30-3 बजे मोती नगर खड़िया सन। तो साहिब महाराज जी एकदम वेख्या बड़ी, क्योंकि कई महीनों बाद दर्शन हुए सन। तो जो आए महाराज जी बड़े खुश प्रसन्नता नाल, तो यही वचन किया कि ये प्यार जड़ा ना बनिया, ये जड़ा प्यार है सांझ है ये बनिया। सतगुरु तो साढ़े नाल प्यार करते ही है, साड़ी तरफों ही ढिल हो जाती है या अवेसले हो जाने। प्यारियो दास बैठे बैठे विचार कर रहा सी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो गए, सारियां पातशाहियां इत्थे हाजर नाजरन, संत माता जी कहंदे सन समय का मालक बैठा होवे ते तुसी समझो ये घड़ियां उस दरगाह विच लिखिया जा रहियां। ये ते सानू तां पता पएगा कि जदों असी श्वास छोड़ांगे शरीर विचों, तां फिर वो कहंदे ना भजन करन वाले भी पछताणगे कि मैं इतना घट क्यों किया, होर करा मैं जगर इसका सुख, और जिहड़े नहीं करने वो तो पछताणगे ही पछताणगे। भजन करन वाले भी सोचणगे कि मैं होर भजन करदा होर भजन। तो जितना समा गुरु महाराज ने 364 दिन असी इंतजार करने, इसलिए थकेवा हुण दास जयकारा लगाएगा ते नाल ही बेनती करेगा सत्कारयोग बत्रा जी नूं, क्योंकि बत्रा जी नाल विचार होई सी रागियां दी, कहिंदे ने रागी जत्था हाँ, मैं कहा साढ़े कोल रागी जत्था है, साहिब महाराज वी सन, मैं कहा साढ़े रागी जत्था है पर बहुत ही घट साढ़े सामने आंदे हन, कौन रागी जत्था आप जी हो ना। इस को सोना सानू अपने जिहड़ा प्यो दीआं गल्लां सुणावे तो सानू किन्ना सोहणा लगदा है। तो बत्रा जी कोल खजाना है, बाणी दा ज्ञान है, गुरु महाराज कृपा करे। मैं हुण बेनती करांगा सरबत साध संगत तरफों कि आप बत्रा जी आओ, कड़ियां ना वेखो, अज कड़ी वैसे भी असां ने सामने फुल्लां पिछे छुपा दित्ती है, वो वेखियो ही ना। तो बस गुरु महाराज ये जिहड़ी खुशियां दा समां सानू मिलिया है, इतनी इतनी दूरों संगत आईया, तो अज का दिन तो है ही सब सतगुरां दा, संत माता जी का दिन है, इतने प्यार समा सुहावना बनिया हो। और सिर्फ इतनी संगत नहीं, पता नहीं कितनी देश विदेश बैठ के ये उड़ीक कर दी, वो तो कहते हैं साढ़ा एक गुरपुरब होंगे, असी दे सामने टीवी ला के बैठ जाने, सानू इस तरह महसूस होंगे असी तुहाडे विच ही बैठे। तो कई बार फिर हाजर गैर हाजर तो गैर हाजर हाजर हो जाते, दूर बैठा वो प्यार विच सब कुछ ले जाता, असी बैठे हाँ और जयकारा लाइए तो नाल बेनती करिए बत्रा जी थे उन्होंने जत्थे नूं वो आके संगतों नूं निहाल करन, जो साढ़ा थकेवा उतर जाए। असी गुरु नानक दे सिख हाँ, नानक जिहड़ा ना अकिया ना थकिया, तो इतना भरमण उन्होंने कर दिता। आओ बत्रा जी, तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब, तन तन साहेब संत माता जी आप, कोट कोट नमस्कार।